बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आप लोगों के क्वेश्चन तो काफ़ी होंगे, लेकिन अपडेट देनी थी शेन के हवाले से। वो 4 to 6 वीक तक आउट हो गए और अनफॉर्चुनेटली वो एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह वो आगे जो हमारी सीरीज है वर्ल्ड कप है इंशाल्लाह उसके लिए रेडी। क्वेश्चन जी हंस, सर आप क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में और शाहीन के बाहर होने से कितना लॉस समझ रहे हैं? एशिया कप में इंडिया का जिस तरह है हमारा मैच, हम अर्ली ओवर्स में विकेट लेते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए कल के हवाले से तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह की हम क्योंकि रूथलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमारी जो टीम का कल्चर बना हुआ है हमने कभी रिलैक्स नहीं हुई चाहे जो मर्जी टीम हो, और इंशाल्लाह यंगस्टर भी होंगे उस हिसाब से हमारी टीम बनेगी तो इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दूसरा शेन के हवाले से नो डाउट हमारा बेस्ट बॉलर, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको मिस तो करेंगे लेकिन उसके लिए दुआगो हैं कि वो जल्दी से जल्दी फिट हो और हमारा टीम को काम करें। अच्छा शहजाद, क्या समझते हैं कि शाहीन को कौन रिप्लेस कर सकेगा टीम में? ये तो मुझे लगता है सेलेक्टर अच्छा आपको आंसर देंगे, मुझे इसका आंसर नहीं पता वरना मैं आपको जरूर बता। शादाब, हमने मुल्तान की सीरीज में भी आपकी एक लंबी इनिंग्स देखी थी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थे, यहाँ पे भी आपने अच्छी बैटिंग की है, तो शादाब खान अब एक मुस्तनद ऑलराउंडर हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे जो जिम्मेदारी आपने उठाई है बॉलिंग के साथ बैटिंग की? देखिए कोशिश स्टार्ट से मैं एज ए ऑलराउंडर आया था लेकिन मैंने बैटिंग में उस तरह परफॉर्म नहीं किया और उस तरह मुझे मेरे ख्याल से चांसेस भी नहीं मिले थे। जब से मैं कैप्टन बना था इस्लामाबाद यूनाइटेड का उसकी वजह से मैं खुद को ऊपर प्रमोट किया और उसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया अपनी बैटिंग में और अल्हम्दुलिल्लाह भी फ़ायदा हो रहा है, और जिस तरह मैं बॉलिंग में मेहनत कर रहा हूँ उस तरह बैटिंग में मेहनत कर रहा हूँ ताकि जहाँ भी टीम को जरूरत पड़े मुझे अपने काम करूँ। थैंक यू।